अब ऐड करती हूँ मैं करी पत्ता, फ्रेश डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी डालिए धनिया पत्ता, कोथमीर डाला है मैंने, इसी में ही डाल दूंगी हरे मिर्च। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम इसे रख देंगे 5 मिनट्स के लिए गलने के लिए। देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, प्याज अच्छे से गल चुकी है। अब इसी में ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, चाय के चम्मच से 1 चम्मच डाला है मैंने। इसी में ही ऐड करूंगी नमक, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा आपको कितना लगता बाद में आप टेस्ट कर डाल सकते हैं। देखिए इसे हल्के से गोल्डन हुए तक हमें फ्राई कर लेना है, उसी के बाद हम इसी में ही ऐड करेंगे बेसिक मसाले। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हल्के से गोल्डन फ्राई होना है हमें बघार को। अब इसी में ही ऐड करूंगी मैं बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कस्तूरी मेथी। अब इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसी में ही अब मैं ऐड कर दूंगी 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने, उसी गिलास से जिस गिलास से मैंने मसूर की दाल मापी थी उसी गिलास से मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी। देखिए और 1/2 गिलास ऐड किया है मैंने। देखिए अब मैं इसे रख दूंगी पकने के लिए। जब तक ये अच्छे से नहीं पकता जब तक हम इसे रख देंगे हाई फ्लेम पर रख कर इसे अच्छे से पका लीजिए। चलिए ढक्कन कवर कर रख दीजिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा पानी ओंट रहा है। अब इसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ मसूर दाल जो मैंने वॉश कर इसे 3 सेकेंड के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर आप इसे देखिए कि कितना पानी लेती है दाल, उस तरीके से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे तो इसमें 1.5 गिलास पानी लगा था। ठीक है अगर आप लोग मसूर की दाल को भिगने रख देंगे तो ये कम पानी लेगी, अगर आप नहीं भिगोगे तो ये ज़्यादा पानी लेगी। चलिए हम इस तरीके से ढक्कन कवर कर रख देंगे 3 सेकेंड के लिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना पानी छूटा है, अभी इसमें पानी बाकी है, अभी ये भी पानी झुरना है हमें। और इसे मैं रखूँगी 5 मिनट्स के लिए, मीडियम आंच पर रखिएगा और जब तक कि दाल अच्छे से गल जाए। अभी दाल फरेरी है, हमें दाल अच्छे से गलानी है, ज़्यादा भी नहीं गलानी है, 10 मीडियम से रखना है हमें। चलिए मैं इसे रख दूँगी और 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख दीजिए, बिल्कुल ही ढक्कन कवर कर रख दीजिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दाल अच्छे से गल चुकी है, पानी भी अच्छे से सूख चुका है माशाल्लाह से। अब ये बनकर परफेक्ट हो चुकी है। मुझे जितनी ढीली रखना था मैंने उतनी ही ढीली रखा है खड़ी दाल। अगर आपको और सुखाना है तो आप इसमें सुखा सकते हैं, मुझे तो इतनी ही पसंद थी। चलिए हमारी डिश बनकर रेडी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट मसूर की दाल। देखिए इसी तरीके से धनिया के पत्ते डाल दीजिए, डालने के बाद इसे रख दीजिए 2 सेकेंड के लिए मीडियम आंच पर, उसी के बाद कर दीजिए डिश आउट। चलिए देखते हैं 2 सेकेंड के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारी मसूर की दाल बनकर रेडी हो चुकी है, अब ये रेडी है सर्व करने के लिए माशाल्लाह से। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में, कर देंगे इसे हम डिश आउट। ओके फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी मसूर की दाल। आप इसे चाहे तो चपाती में या ज्वारी की रोटी में खाइए, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगेगा। इसे बनाना बहुत आसान था, बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लगता है और हमारे रेसिपीज आपको पसंद आती है या नहीं आती है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।